आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं लाहौर चिड़ियाघर में ईद के पहले रोज ही रश, शहरी बच्चों को लेकर चिड़ियाघर पहुंच गए। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अक्सा मुख्तार से। जी अक्सा, बताइएगा शहरी कितनी तादाद में पहुंचे हैं चिड़ियाघर में बच्चों को लेके। खुशियों को मजीद मीठा बनाने के लिए लोगों ने तफरीही मुकामात का जो है रुख कर लिया है। इस वक्त मैं लाहौर चिड़ियाघर में मौजूद हूँ और यहाँ पर लोग जो है सुबह से ही उनकी आमदोरफ्त जो है जारी है। मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, इनसे जानते हैं ईद का दिन किस तरह से सेलिब्रेट करने वाले हैं। जी बताएं ईद जो है किस तरह से मनाने वाले हैं, अभी तो आप जू में आए हैं, इसके बाद क्या प्लानिंग है? जी इसके बाद हम सबसे मिलने जाएंगे, अभी भी मिल के आए हैं पेरेंट्स से और सबसे मिलेंगे, सब ईदी देते हैं बच्चों को तैयार वगैरह करना, नमाज़ पढ़ने जाना, यही मसरूफियत है। तैयार बिल्कुल ईद में अब सबसे ईदी भी लेंगे ये बच्चे, यहाँ इनसे जानते हैं इनको ईदी मिली है कि नहीं मिली। जी बच्चे बताओ आज आपको ईदी मिली है? मिली है। कितने पैसे हुए हैं ईदी में? 120। अभी ईदी मिली है लेकिन अभी ईद का दिन जो है वो बाकी है, अभी ये सिलसिला जो है वो रात तक जारी रहने वाला है, बल्कि अगले दो रोज़ तक मजीद जारी जो है जारी रहने वाला है। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं ये जो है जो बच्चों को लेकर आए, इनसे जानते हैं कि आज का दिन ये बच्चों को किस तरह से घुमाने वाले हैं। जी बताएं आप जू तो आ गए, अब आगे का क्या प्लान है बच्चों का? बच्चों को फोर्ट्रेस लेके जाएंगे, ये भतीजी बच्चे सुबह से एक्सरसाइज कर रहे थे हमें कि भाई हमने जा रहा है आगे, और इसके बाद बहुत सारे खाने लजीज खिलाएंगे इन्हें और घुमाएंगे मजीद। घूमना फिरना जो है वो भी लाहौरियों के लिए तो मैं कहती हूँ मस्ट है, लाहौरी घूमे फिरे बगैर जो है ईद कभी भी नहीं मनाते। जी।